अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आफ्टर रीडिंग दी चैप्टर जिनाज विजन ऑफ पाकिस्तान, आज हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। व्हेन एंड वेयर डिड एम ए जिना डिलीवर हिज स्पीच? तो ये पहला क्वेश्चन है। जिना एड्रेस्ड द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 11 अगस्त 1947 इन कराची। दिस वॉज द इनॉगरल सेशन ऑफ दिस फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इनॉगरल जो इफ्तिताही सेशन होता है, ठीक है। इट वॉज द टाइम व्हेन द क्रिएशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान फाइनली अकर्ड। कायदे आज़म वॉज इलेक्टेड द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाई हिज ओन पार्टी मेम्बर्स एज वेल एज बाई द ऑपोजिशन। क्वेश्चन नंबर टू, टू फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिड एम ए जिना रेफर टू इन द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिना एम्फसाइज्ड ऑन टू मेजर फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। द फर्स्ट वन वॉज मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फ्यूचर बिकॉज नो स्टेट कैन रन इट्स अफेयर्स विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन। द सेकेंड टास्क वॉज डिक्लेयरिंग दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज अ फुल सॉवरेन एंड लेजिस्लेचर ऑफ पाकिस्तान, दस टू इनेबल इट टू प्रोवाइड बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज फॉर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर थ्री इज, what did he say about the first function of the constituent assembly? Qaid Azam believed that Pakistan needed to take start from zero by setting fundamental first, as the first duty of government is to maintain law and order and protect the life, property and religious beliefs of its subject. For Jinnah, this was possible only by having a comprehensive supreme legal documents for the smooth future functioning of the newly born state of Pakistan. That is why Jinnah said that the first function of the Constituent Assembly was the responsibility of framing the future constitution of Pakistan. Question number four is, what did he say about the second function? So being newborn state, Pakistan needed to get rid of bribery, corruption and nepotism. For this purpose, strong measures were needed to be taken. सॉरी, इसमें टू बी टेकन नहीं लिखा। कायदे आज़म दैट इज़ वाई वांटेड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टू बी फ्री फॉर ऑल इन्फ्लुएंसेस, तमाम किस्म के असरात से पाक हो, एंड मस्ट बी स्ट्रॉन्ग टू टेक डिसीजन ईजिली इन नेशनल इंटरेस्ट। दैट इज़ वाई कायदे आज़म डिक्लेयर दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मस्ट फंक्शन एज अ फुल एंड कम्प्लीट सॉवरेन बॉडी एज फेडरल लेजिस्लेचर ऑफ पाकिस्तान टू एलिमिनेट सोशल ईविल्स। टू एलिमिनेट मीन्स रिमूव्ड सोशल ईविल, हटाया जा सके, पाक किया जा सके। क्वेश्चन नंबर फाइव इज, कायदे आज़म विच लेगेसी डज एम ए जिना रेफर टू इन हिज स्पीच? ठीक है, कौन सी विरासत के बारे में बात करते हैं? कायदे आज़म रेफर्स टू द लेगेसी ऑफ प्री पार्टीशन इंडिया, दैट इज द लेगेसी ऑफ ब्राइबरी, करप्शन, नेपोटिज्म एंड जॉबरी। दीज ईवल्स हैव बीन पास्ड ऑन टू अस फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन। इन हिज इनॉगरल स्पीच ही डायरेक्टली रेफर्ड टू दीज ईवल्स एंड एम्फसाइज्ड दैट दीज ईवल्स मस्ट नॉट बी टॉलरेटेड एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर जो है इस बदउनवानी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स इज, व्हाट आर द कायदे आज़म व्यूज़ अबाउट द डिवीजन ऑफ इंडिया? सो एम ए जिना इन हिज इनॉगरल स्पीच टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक्सप्रेस्ड हिज व्यू अबाउट द डिवीजन ऑफ इंडिया इन अ क्लियर कट मैनर। ही स्ट्रेट फॉरवर्डली टोल्ड द ऑडियंस दैट दो सम पीपल इन सब कॉन्टिनेंट मे नॉट एग्री विद दिस, बट दिस डिवीजन वॉज द ओनली बिफिटेड सोल्यूशन। बिफिटेड मीन्स बहुत अप्रोप्रिएट, मौजू, मुनासिब सोल्यूशन ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉब्लम। ही कॉन्फिडेंट Evidently hoped that future generation will also justify it. According to him, any idea of united India could not have proved successful. He made a judgment that such an idea would have resulted, यहाँ पे मैंने would result लिखा है, would have resulted into sheer collapse and destruction. So question number seven is, what does he say about the minority? So Qaide Azam stressed on the unity of Hindu Muslim community. He talked about minorities in a very liberal and secular manner. Liberal means जो बड़ी आज़ादी के साथ, तंग नज़री के साथ नहीं बल्कि खुले दिल से, and secular means जो किसी religion को follow नहीं करता, ठीक है, जो किसी एक religion की favoritism नहीं करता। He said that Hindus and the Muslim community should forget their past and set to work for the progress of state of Pakistan, of which they are the equal citizen. They should work together irrespective of all discrimination of color, caste and creed. He declared that minorities are free to participate their respective religions with equal rights. Their rights will be protected by the state. Question number eight is, what kind of freedom does M.A. Jinnah
envision for the people of Pakistan in general? So what is the future dream of Jinnah for Pakistan? So MA Jinnah envisioned freedom for the people of Pakistan, which was necessary for the bright future of this new state, and was particularly in favor of the poor masses. In this regard, he emphasized that the people of Pakistan should work with cooperation irrespective of their color, caste and creed. They should not subjugate each other. Theek hai, ek dusre ko neecha na dikhaye. He declared that all minorities are free to practice their religion with equal rights. All the people of Pakistan will enjoy equal rights. Everyone was free in his thoughts, whether political or religious. तो मजहबी और सियासी दोनों किस्म की आज़ादी इनको हासिल थी. क्वेश्चन नंबर 9 इज़ व्हाट डज एम ए जिन्ना मीन बाय हिंदूज वुड सीज टू बी हिंदू एंड मुस्लिम वुड सीज टू बी मुस्लिम. एक्सप्लेन. सो जिन्ना एक्सप्रेस्ड हिज विजन एंड आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान बाय सेइंग दैट हिंदू वुड सीज टू बी हिंदू एंड मुस्लिम वुड सीज टू बी मुस्लिम. अकॉर्डिंग टू हिम देर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, दे विल ऑल एन्जॉय इक्वल राइट्स, प्रिविलेजेस एंड फ्रीडम इन द न्यू स्टेट ऑफ पाकिस्तान. If both Hindu and Muslim consider themselves first as Pakistani and forget about their religious differences, soon they would be able to think as Pakistani and civilized responsible citizen of Pakistan. अभी हम समरी नोट्स के फॉर्म में जो है वो पढ़ेंगे. तो मैं रीडिंग करती हूँ और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग होंगे वो भी मैं साथ साथ एक्सप्लेन करती जाऊँगी. दिस चैप्टर कंटेन्स द इनॉगरल स्पीच ऑफ मोहम्मद अली जिना. इनॉगरल मीन्स इफ्तिताही. एम मोहम्मद अली जिना एड्रेसेस द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन 11 अगस्त 1947 इन कराची. दिस इज़ द टाइम व्हेन द क्रिएशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान फाइनली अकर्स. कायदे आज़म वॉज इलेक्टेड the first president of this constituent assembly by his own party members as well as by the opposition. Muhammad Ali Jinnah refers in the beginning of this speech about two major functions of the constituent assembly. The first one is making the constitution of the future, because no state can run its affair without constitution. The second task is declaring the constitution assembly as a full sovereign and federal legislature of Pakistan in order to provide best constitution and laws for the future of Pakistan. Muhammad Ali Jinnah believes that Pakistan needs to take start from zero by setting fundamentals first. The first duty of government is to maintain law and order and protect the life, property and religious beliefs of its subjects. This was possible only by framing comprehensive supreme legal documents for the smooth future functioning of newly born state of Pakistan. That is why Jinnah said that the first function of the Constituent Assembly was the responsibility of framing the future constitution of Pakistan. Being a newborn state, Pakistan needed to get rid of bribery, corruption and nepotism. For these purposes, strong measures had to be taken. Mean sakht ikdamat karne the. Jinnah, that is why wanted the Constituent Assembly to be free of all influences. He says that it must be strong to take decision easily in national interest. That is why Jinnah declared that the Constituent Assembly as a full and complete sovereign body to eliminate means to remove, khatam karna, social evils. He emphasizes that these evils must not be tolerated at any cost. Kisi keemat par inko bardasht nahi kiya jayega. He expresses his idea about the division of India, that though some people in subcontinent may not agree with this, but this division is the only befitted solution of India's constitution. According to him, any idea of united India could not have proved successful. He accentuates means emphasizes, stress on, zor dete hain on the unity of Hindu-Muslim unity. He says that Hindus and the Muslim community should forget their past and set to work for future progress. He declares that minorities are free to practice their respective religions with equal rights. He emphasizes that the people of Pakistan should work with cooperation irrespective of their color, caste and creed. तो ये थे जी हमारे क्वेश्चन आंसर. इसके बाद हम आएंगे ग्रामर एक्सरसाइज की तरफ.